नई सरकार जो भी गठन होगा आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद, तो मेरा मानना है कि सरकार ऐसी बनना चाहिए जैसे कि कहा गया है हमारा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले को से सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। समाज के सभी अंगों का सर्वांगीण विकास हो और सरकार की सोच ऐसी होना चाहिए कि चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग, सभी को एक सा विकास होना चाहिए। और साथ में हम विकास को तभी महत्वपूर्ण मानेंगे जबकि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा का जो स्तर पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरता जा रहा है, उसके उन्नयन के लिए कुछ ऐसी योजनाओं को मूर्त रूप में लाया जाए जिससे कि हमारे चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे हमारे शहरी क्षेत्र हो, चाहे महानगर, सभी में शिक्षा का स्तर एक, ऐसी भी व्यवस्था हमारी सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या, तो हमारे युवाओं को कोई ऐसा रोजगार उन्मूलक प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे कि वह अपना रोजगार कर या नौकरियों को प्राप्त कर समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। रही अभी जैसे कि एक बहुत बड़ी चीज देखने में आई है कि किसी भी पार्टी में हमारे आधी आबादी को उनकी संख्या के हिसाब से पूर्ण हिस्सा नहीं दिया भागीदारी का, तो मेरा ये भी मानना है कि महिलाओं को भी राजनीति में सक्रियता के लिए एक निश्चित स्थान तय होना चाहिए जिससे कि वे देश की रीति और नीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और मैं ये चाहूंगा, सभी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि वे अपना मत का प्रयोग अवश्य करें ताकि हम किसी भी एक अच्छे प्रत्याशी को चयन कर सके और हमारे प्रदेश का विकास सुचारू कर सके।